राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ रचना। आज हम दिवाली डेकोरेशन की वीडियो नंबर 25 बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे तोरण, वो भी पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमने A4 साइज का पेपर ले लिया है, उसको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड कर दिया है। अब इस पेपर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टोटल हम चार पीस बनाएंगे एक A4 साइज पेपर में। आप किसी भी कलर का पेपर यूज़ कर लेना। मैंने पिंक पेपर पहले यूज़ किया है। अब ये हो गया। अब इसके बीच में मैं सेंटर पर एक निशान लगाऊंगी और दोनों ओर लेफ्ट और राइट में 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा दूंगी। फिर उसको सेंटर में जो निशान लगाया था उससे हम इसको मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया है और इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। इसी तरह सभी को कट कर लेंगे। अब इसके दोनों साइड पर मैं ये गोटा पट्टी की ये पतली वाली लेस लगा दूंगी। बस लेस लग गई। मेरे पास ये ग्लिटर शीट था, इससे हम इस तरह ट्रायंगल कट करेंगे। हमारा ट्रायंगल कट हो गया है। अब हम दिए की बाती बनाएंगे। तो मैं रेड और गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट से इसकी बाती बनाऊंगी। डायमंड शेप में हम इसको बनाएंगे। अब इसको हमने कट कर लिया। इसी तरह गोल्डन ग्लिटर शीट भी छोटी बाती इसकी हम अंदर चिपकाने के लिए बना देंगे इस तरह से। अब ये ग्लिटर शीट हम नीचे चिपका देंगे। अब एक हमारे पास लेस है गोल्डन कलर की, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। और अब ये बाती जो हमने बनाया था उसको हम लगा देंगे। अब ये एक दिए जैसा लगेगा। हम इस तरह से इसको कर लेंगे। अब ये जो एक्सेस था गोटा पट्टी, उसको हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। ये हो गया। अब हम इसको मिरर से डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसके बाती के चारों ओर ऐसे मिरर लगा दूंगी। मेरे पास ये ड्रॉप शेप के मिरर थे, मैंने वो लगा दिए। बस ये तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने सारे पिंक तैयार कर लिए। आपको जितने तैयार करने आप अपने हिसाब से कर लेना। फिर मैंने ऑरेंज भी तैयार किए हैं और ये नियॉन ग्रीन में नियॉन तैयार कर लिया है। अब इस पर मैं दोनों ओर ऐसे एक छेद बना दूंगी जिससे हम इसको हैंग कर सके। तो अब सभी पर ऐसे ही हम कर लेंगे। गोटा पट्टी की लेस लेकर हम इसके होल में ऐसे लगाएंगे जिससे ये हैंग करने के लिए दीवार पर हो जाए। अगर गोटा पट्टी आपके पास ना हो तो आप वूल ले लेना, या वाइट मोटा वाला थ्रेड आता है वो ले लेना, उससे भी हो जाएगा। अब सारे हम इसी तरह से इसमें लगा देंगे। बस हमारा तोरण तैयार है। तो देखा ये कितनी आसानी से बन गया। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक ये कैसा लगता है।
तो देखा कितने कम सामान में हमने बहुत जल्दी से एक तोरण बना लिया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।